salaam alaykum class 2 and you are very welcome to the third lecture of your unit number 3 that is androcles and the lion as you know we have completed the text of androcles and the line and today we are going to solve our workbook page number 5678 so kindly take your workbooks and open the pages 5 6 7 8

वर्ड टू वर्ड इनको क्लोज करती जाऊंगी ये आपके फुल पेज की पिक्चर है सो द फर्स्ट वर्ड इज़ स्लेव यू विल मैच द वर्ड स्लेव विद दिस पर्सन यू कैन सी स्लेव का मतलब होता है ग़ुलाम यानी जो अपनी ख्वाहिशात के मुताबिक अपनी ज़िंदगी गुजर नहीं कर सकता आप देख सकते हैं इसके हाथ बंधे हुए हैं जो अपने मालिक के कहने के मुताबिक चलता है नेक्स्ट वर्ड इज़ डेजर्ट सेहरा को कहते हैं यू कैन सी हेयर द पिक्चर ऑफ डेजर्ट सो आई हैव मैच द डेजर्ट विथ दिस पिक्चर नेक्स्ट वन इज़ केव केव का मतलब होता है गार सो so इसको मैंने इसके साथ मैच किया है नेक्स्ट वन इज़ थॉर्न यानी कांटा आपने देखा होगा ये देख सकते हैं आप जैसे एक रोज़ फ्लावर होता है और उसके साथ एक छोटी सी ट्विग हो या उसकी कोई ब्रांच हो तो उस पर ये थॉर्न्स लगे होते हैं द नेक्स्ट वन वर्ड इज लाइन रोड यानी शेर की धार उसकी आवाज़ जो होती है उसे रोड आप देख सकते हैं आई हैव मैचिड विद लाइन सो आप इस पेज को इस तरीके से मैच करेंगे ओपन द नेक्स्ट पेज नंबर सिक्स हेव वी हैव सर्च फॉर एंड सर्कल द हिडन वर्ड्स हमने यहाँ पे वर्ड सर्च करने हैं आप अपने वर्ड बॉक्स में आए यहाँ पे आपको वर्ड्स दिए हुए हैं पुर थॉन अफ्रेड हर्ट बीट मास्टर एंडली स्लेव डेजर्ट पा लिक्ड हर्ट आपने इनमें से इनको सर्च करना है लाइक दिस जैसे मैंने इनको किया हुआ है द नेक्स्ट वर्ड इज मेक सेंटेंसेस आपने सेंटेंसेस बनाने हैं अफ्रेड अफ्रेड का सेंटेंस आप बनाएं मैंने लिखा है यहाँ पे आई एम अफ्रेड ऑफ लॉइन मैं यानी शेर से खौफदा हूँ यानी उससे मुझे डर लगता है यू कैन मेक द